फाइन। तो अब हम कह सकते हैं चाहे हम इसको मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस बोल दें या हम इसको बोल दें मास ऑफ 6.022 × 10⁻²³ सब्सटेंस बोल लो या पार्टिकल्स बोल लो, एक ही बात। ठीक है फाइन। अब अगर हम इन पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड करें तो ये पार्टिकल्स लेस स्पेस, इसे मैं यहां लिख देती हूँ मास ऑफ 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में हमारे आ सकते हैं अगेन, या आप कह सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं इट इज क्लासिफाइड इनटू एटम्स, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है ना सब्सटेंस, सब्सटेंस एंड की पार्टिकल्स, और उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। सो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। सो अगर हम एटम की बात करें तो एटम का अगर मास ऑफ इतने पार्टिकल्स यानी कि मास ऑफ 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास में। और अगर मास ऑफ 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स किसके, या हम कह सकते हैं मास ऑफ 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। क्लियर है जी? सुन लो दोबारा आप लोग, मोलर मास क्या था, किसी भी एक मोल सब्सटेंस और उस एक मोल सब्सटेंस का मास कितना होना चाहिए ग्राम्स में, वो हमें क्या बताता है मोलर मास। यानी कि मोलर मास, जब भी हम किसी सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड करते हैं तो हम उसको ग्राम्स में लेते हैं। जैसे वाटर का अगर मैं पूछूं मोलर मास तो कितना होगा 18 ग्राम्स, अगर ठीक है सो या वाटर के मॉलिक्यूल का मास पूछूं तो भी क्या बोलोगे आप 18 ग्राम्स। ठीक, सो अब मास ऑफ, यही मैंने यहाँ इसी कंडीशन को मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया है मास ऑफ इतने पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में आपके एटम भी आ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। अगर हम इतने पार्टिकल्स में इतने एटम के मास की बात कर रहे हैं, मास ऑफ इतने एटम्स, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम एटॉमिक मास में। अगर हम मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। क्लियर है? अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिटन नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का मास यहां मैंने लिख दिया 14 U और यहां मैंने लिख दिया 14 grams, तो U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन के एटम का मास, ठीक है, और ग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मास, इसे हम मॉलिक्यूलर या मोलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मॉलिक्यूलर मास। फाइन, ऐसे अगर मैं लिख दूं 18 U और 18 grams, किसका होगा ये वाटर का, ये लिखूंगी और ये लिखूंगी, ये किसके लिए है एटम के लिए और ये किसके लिए है मॉलिक्यूल के लिए। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जिससे कि आपको मॉलिक्यूलर मास और आपको ग्राम एटॉमिक मास यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, सो सो विद दिस कवर अवर फोर टॉपिक्स, फर्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास, देन योर मॉलिक्यूलर मास, एंड देन लिटिल बिट अबाउट अ फॉर्मूला मास, जो मैंने आपको कहा कि आपको खुद अपनी एनसीईआरटी से करना है, और थोड़ा बहुत हमने इस शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ा है कि कैसे हम एटॉमिक मासेज, मोलर मासेज और मॉलिक्यूलर मासेज को डिफ्रेंशिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द यूनिट्स। फाइन, अब हम थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, जो टॉपिक हम पहले कर चुके हैं उनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, सो
मेरे पास तो पुराना एडिशन है, आई हैव एन ओल्ड एडिशन, सो इफ़ यू हैव अ न्यू एडिशन तो आप खुद ही क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पुराने एडिशन के अंदर पेज नंबर 23, इन ओल्ड बुक देर इज अ पेज नंबर 23 पेज पर क्वेश्चन नंबर 1.18, 1.19 एंड देन 1.21। मैं थोड़ा शफलिंग से करूंगी, नॉट इन अ सीरीज, क्योंकि जो टॉपिक हम करते जा रहे हैं उसी के क्वेश्चन साथ साथ करते जा रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट 1.18 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1.18 इट इज अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। सो क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिग्निफिकेंट नोटेशंस, इन्हें हमें सिग्निफिकेंट नोटेशन यानी कि पावर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1.18, दिस इज ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका 0.0048। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बता रखा कि आपको अप टू कितनी डेसिमल प्लेस मूव करना है, ठीक है। सो हमने दो रूल्स पढ़े थे कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट की साइड मूव करते हैं तो हमारा जो इंटीजर होगा या पावर होगी किसमें होगी, पॉजिटिव में, और अगर हम राइट को मूव करते हैं तो किसमें होती है, नेगेटिव में। तो अगर हम इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 4.8। अब कितने डेसिमल कितना प्लेस मूव करा है, 1, 2, 3, तो इंटू 10^3, क्लियर है। देन सेकेंड क्वेश्चन 2, 3, 4, 0, 0, 0, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दे रखे हैं। नाउ इसका साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि हम डेसिमल जस्ट राइट साइड पे प्लेस कर रहे हैं और क्योंकि बाद प्लेस कर रहे हैं, इट बिकम 2.34 इंटू 10^-5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8008, इट इज 8.008 इंटू 10^5। अब डेसिमल कहाँ है, अगेन राइट साइड पर मूव करा है और कितने डेसिमल प्लेस में, 1, 2, 3, तो हम लिख सकते हैं 10^-3। देन फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे -3 आया क्योंकि हम लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 500.0, ये क्या आएगा आपका 50, क्योंकि डेसिमल कहाँ मूव करना है, टूवर्ड दिस साइड, तो 5.00 इंटू, अब कितने डेसिमल प्लेस और लेफ्ट में मूव करा है, तो इट बिकम 10^2। यहाँ से यहाँ मूव करा है तो 2 डेसिमल प्लेस मूव करा है, सो 10^2। देन 5, 6.0012, अब इसमें आप क्या लगाओगे, यहाँ तो डेसिमल ऑलरेडी क्या है, आप किधर मूव कर सकते हो, यू कैन मूव एनी, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपकी प्रॉपर हैं, सो हम कह सकते हैं 6.00 × 10^0, ठीक। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 1.19, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है 0.0025। अब सिग्निफिकेंट फिगर को अगर रूल को याद किया जाए तो हमने क्या लिखा था कि डेसिमल के बाद की जो जीरोस होती हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, और ठीक है, तो डेसिमल के बाद की जो राइट साइड की फिगर्स होंगी 0, 0, और अगर वो नॉन डिजिट को क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर होगी। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन बी 208, देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सी में 5005, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डी में 1, 2, 6, 0, 0, 0। अब ये हमारा पास ये क्वेश्चन था, इसमें हम 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कंसीडर कर सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा जो फिफ्थ रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, ये उसे फॉलो कर रहा है। देन इवन 500.0, अभी यहाँ पे भी क्या है, डेसिमल के बाद की जो ये जीरो है, ठीक। अब इधर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो जीरो है वहां पे नॉन डिजिट नंबर भी है, और डेसिमल के बाद जो जीरो है जो राइट साइड पे है वो भी क्या कंसीडर हो रही है, यहाँ पे कोई इसको कोई भी नॉन डिजिट नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, सो हम इसमें लिख सकते हैं देर आर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
एंड देन लास्ट वन एफ 2.0034 यहाँ कितनी है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर है? नाउ देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर 1.20. अब यहाँ पे आपको राउंड अप फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि आपको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही कंसीडर करना है, तो आप उनको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास 3.4.216, तो हमें क्या करना है इसको, वी हैव टू राउंड अप इट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो क्या बनेगी इसकी, इट राउंड अप बिकम 3.4.2. फाइन. Then B 104107 104 three significant figures. Then 0.0459. अब यहाँ पे आप देखो इसको आप राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ करोगे तो बिकम 0.0460. अब डेसिमल के बाद ये तो आपका नॉन सिग्निफिकेंट हो गया और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. क्लियर है? और देन नेक्स्ट है 2808, इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो इट बिकम 281. तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए जो हमारे सिग्निफिकेंट और साइंटिफिक नोटेशन से रिलेट हैं. ठीक है जी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब ये क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से देखेंगे. द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड. यहाँ पे आप एक डाटा दे रखा है, उस डाटा में आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की वैल्यूज दे रखी है. नाइट्रोजन 14 14, देन देर इज अ 16 32, उसके बाद है वो 28 28, और यहाँ पे है 80 और 32. अब हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था, मल्टीपल प्रोपोर्शन में था कि एक एलिमेंट का मास जो फिक्स रहता है जब वो कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट के मासेस के साथ, तो ये आपस में क्या फॉर्म करते हैं, दे बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो. लेकिन यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ की नाइट्रोजन का मास फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है? सो सबसे पहले तो 14:16 यहाँ मास फिक्स है, तो 14 यानी कि इतनी नाइट्रोजन इतने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है. ठीक. देन रेशियो 14:32 के साथ रिएक्ट कर रही है, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे फिक्स है. लेकिन यहाँ पे अब क्या है, रेशियोज फिक्स नहीं है, मासेस फिक्स नहीं है. सो हम क्या करेंगे, हम अगर इसके मास को फिक्स करना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, जस्ट इसको हाफ कर देंगे. तो 28 को जब आप 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 14. ठीक है? और 32 को जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16. यानी कि ये रेशियो हमारी किसकी हम लिख रहे हैं, हाइड्रोजन की, ये कितनी आ जाएगी 16. फाइन. उसके बाद अगेन यहाँ पे भी 28 है तो ये भी हमारी जस्ट डबल है. ठीक. तो इसको भी क्या करेंगे, हम हाफ करेंगे. हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, और जब इसको हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40. तो ये कितना हो गया 40. ठीक है? अब आप इसको 8 के टेबल से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, 8 4 8 2 और 8 5. सो दिस इज अवर आंसर, दैट इज 2:4:2:5. दोबारा आंसर क्वेश्चन सुन लीजिए. आपको डाटा गिवन है, डाटा में आपको फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट की एक फिक्स नंबर मास दे रखा है एक एलिमेंट का, और दूसरे का आपका फिक्स नहीं होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फाइन. अब यहाँ पे तो मासेस आपके फिक्स हैं. ठीक है? तो इतना नाइट्रोजन इतने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, इतना इतने के साथ. लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट डबल है. तो इस डबल को हम फिक्स करने के लिए, इसके एलिमेंट के मास को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. तो जब डिवाइड करेंगे 14 ही इसका आ जाएगा. जब ये हाफ हो जाएगा
तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 16, ये हाफ हो गया, तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये कितना हो गया 40। और जब आप इन एलिमेंट इस एलिमेंट के जो मासिस की क्या करेंगे, इन्हीं की रेशो निकलेगी, क्योंकि एक तो फिक्स है और दूसरा जो फिक्स नहीं है वो क्या करता है आपस में एक सिंपल रेशो क्रिएट करता है, वो रेशो आती है हमारी ये। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दिख रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि अगेन मैं बोलूँगी मेरी बुक पुरानी है, तो उस पुरानी बुक में क्या है थोड़ा सा न्यू एडिशन से थोड़ा डिफरेंट होगा क्वेश्चन की नंबरिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इन ओल्ड बुक क्वेश्चन नंबर इज दिस, फाइन। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इन ग्राम्स। अब यहाँ पर अगर हमने जब AMU फाइंड करा तो उसमें भी हमने मासिस को फाइंड करा था, तो उसी से मिलता जुलता ये कैलकुलेशन है। इसमें क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना था, 12 ग्राम पर मोल, राइट। तो मास ऑफ 6.022 × 10⁻²³ एटम ऑफ कार्बन 12 कितना था, 12 × 6.022 × 10⁻²³। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आंसर बिकम 1.99 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो ये कार्बन 12 एटम का मास इन ग्राम में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप दोबारा बता देती हूँ, क्वेश्चन 130 है इन ओल्ड एडिशन, और मैं दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ के बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, तो यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योर NCERT। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको खुद करना है। इट इज़ अगेन रिलेटेड टू आइसोटॉप्स, अबंडेंस आपको दे रखा है, मोलर मासिस दे रखा है, आपको एवरेज एटॉमिक मासिस में फाइंड करना है। तो डाटा आपको जो गिवन है आप उसके बेसिस पे एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करोगे। ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास से एक क्वेश्चन और रिलेट करता है, डैट इज क्वेश्चन नंबर 1.9। दिस इज योर होमवर्क, 1.9 क्वेश्चन एंड 1.32। Both questions are related to your average atomic masses. इस question में भी क्या है, calculate the atomic mass of a chlorine. Data is given to you. You only put the formula and values according to given formula, और आपका answer निकल जाएगा. So with this, we have complete up to this topic. Thank you.